जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर सिर्फ एक लड़की ने झूठा आरोप लगाया है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। उसने कोई बलात्कार का आरोप नहीं लगाया क्योंकि उसका मैं साक्षी में स्वयं हूँ। जिस समय की लड़की घटना बता रहे हैं उस समय मैं स्वयं वहाँ हाजिर था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तथाकथित घटना बता रहे हैं। 15 अगस्त 2013 रात्रि 9:11:50 तक संत श्री आसाराम बापू मेरे आँखों के सामने थे। मैंने खुद ने जो आँखों से देखा वो न्यायालय में वो बताया। इतना सबूत देने के बावजूद और वो जजमेंट क्या देता है कि एक लड़की के कहने मात्र से पूज्य बापू जी को संत श्री आसाराम जी बापू को निर्दोष होते हुए और आजीवन भी नहीं। अब मैं उस न्यायालय पे कैसे विश्वास करूंगा कि बापू जी को जो उसने सजा दी है वो सही गति है। मैंने जाके न्यायालय के सामने बताया कि मेरी आँखों के सामने युवा, फिर भी न्यायालय ने मेरी जो बात थी वो दरकिनार कर दिया। झूठा आरोप एक लड़की के लगाने मात्र से पूज्य बापू जी को 11-12 साल हो गए हैं और अभी तक पेरोल भी नहीं मिल रही है। 3-3 ब्लॉकेज है, 6-12 अटैक आया है, फिर भी उनको इलाज के लिए कई जमानत नहीं दी जाती है। बच्चा पैदा करने के लिए उसको जमानत दी जाती है। और संत जिन्होंने 50 साल इस हिंदुस्तान की सेवा की, इस संस्कृति की सेवा की, उसको एक दिन की जमानत नहीं मिलती है। संत श्री आसाराम जी बापू भले कितने सारे षड्यंत्र इकट्ठे हो जाए, कितने नेता हो जाए, कितने कंपनी वाले हो जाए, कितने धर्मांतरण वाले हो जाए, लेकिन बापू जी निर्दोष होकर हमारे बीच आएंगे और सत्संग करेंगे। और परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर सिर्फ एक लड़की ने झूठा आरोप लगाया है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। उसने कोई बलात्कार का आरोप नहीं लगाया, मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है ऐसा आरोप लगाया। ऐसे वो भी झूठा आरोप, क्योंकि उसका मैं साक्षी में स्वयं हूँ। जिस समय की लड़की घटना बता रहे हैं उस समय मैं स्वयं वहाँ हाजिर था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तथाकथित घटना बता रहे हैं। तो ऐसा झूठा आरोप एक लड़की के लगाने मात्र से पूज्य बापू जी को 11-12 साल हो गए हैं और अभी तक पेरोल भी नहीं मिल रही है, जमानत भी नहीं मिल रही है। अरे इतना क्या, इतना अब आप बोलेंगे कि न्यायालय पे आपको विश्वास है कि नहीं है या कैसे। अब आप ही बताइए कि हिंदुस्तान का ये न्यायालय जहाँ पे एक संत को, जिसको 50 साल जिन्होंने ये सेवा कार्य किए, भंडारे किए, लाखों लाखों युवाओं को गलत रास्ते जाते हुए बचाया है, लाखों लाखों बच्चों को भगवान नाम जप सिखाया है, लाखों लाखों लोगों को सूर्य को अर्घ्य देना सुबह, भगवान नाम जप करना, माता पिता को प्रणाम करना, माता पिता का पूजन करना और देशभक्ति सिखाया, उस संत को आज पहले जो उसने, जिस संत ने इतनी सेवा की वो सब भूल गए। बाकी जब भी किसी कोई भी मैटर सामने आता है तो क्या देखता था, पीछे का रिकॉर्ड देखा जाता है कि ये पैसे रिकॉर्ड कैसे हैं। तो बापू जी के ऊपर कोई ऐसा पहले आरोप नहीं है और ये भी झूठा आरोप। तो आखिर क्या कारण है, मतलब कि नेता अभिनेता जिन लोगों पर आरोप सिद्ध हो गए उनको भी जमानत मिली, उनको भी राहत मिली, आखिर संत आसाराम जी बापू को ही क्यों राहत नहीं मिली? संत श्री आसाराम जी बापू का इतना दोष है कि बापू जी ने जो आज आधुनिकता की ओर लोग जा रहे हैं और ईसाईकरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, उसको धर्मांतरण को रोकने का काम किया। और जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपना सामान बेचकर और युवाओं को गलत रास्ते लगाना चाहती है, तो बापूजी ने उस कंपनियों का माल बेच बिकना बंद करवा दिया और मशीनरियों का धर्मांतरण बंद करा दिया और नेताओं की नींद उड़ा दी। क्योंकि एक बापूजी का सत्संग, एक सत्संग जहाँ होता था वहाँ पर 10 से 15 हज़ार लोग एक ही दिन में बापू से दीक्षा लेते थे। वो दीक्षा लेने के बाद में दारू, मीट, सिगरेट, गुटखा, यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीते हैं। उस सारी कंपनियों को कितना घाटा होता होगा, वो कंपनियाँ देखती थी एक दिन में 10 से 15 हज़ार लोगों को ये बाबा प्रभावित करता है। 7-7 लाख हिंदुओं को MP में जो ईसाईकरण किया गया था वो एक साल में संत श्री आसाराम बापू ने घर वापसी कराया। तो ईसाई मशीनरियों के कान खड़े हो गए कि ये बाबा क्या करेगा, उधर कंपनियों के खड़े हो गए कि ये 10 से 15 हज़ार लोगों को एक दिन में जोड़ता है, कितनी कंपनियों को घाटा होगा, उधर नेताओं को नींद उड़ गई कि ये बाबा जिस स्पीड से बढ़ रहा है आज 10 साल बाद में पूरे भारत में 80 से 90% लोग बापू के साधक हो जाएंगे। जहाँ बापू की जीभ फैलेगी उस तरफ लोग चले जाएंगे और हमारे तरफ कोई रहेगा भी नहीं, तो हमारी कुछ चलेगी भी नहीं, नेताओं की नींद उड़ेगी।
क्योंकि बाबा जहाँ बोलेंगे, जहाँ संत श्री आसाराम जी बापू बोलेंगे उसकी सरकार बनेगी, तो हमको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। तो नेता भले कोई भी पार्टी का हो, लेकिन सबको चिंता तो रहती है। तो इसमें नेता लोगों का भी हाथ ही रहा कि बापू जी को कैसे करके फंसाएं, कंपनियों का भी याद रहा कि बापू को कैसे फंसाएं जब हमारी कंपनियों का माल बेचना इन्होंने बंद किया, और सही मशीनरियों ने धर्मांतरण करने वालों ने भी बापू को फंसाने में सहयोग किया। इन सब ने मिलकर भारत की मीडिया को, भारत के जुडिशियल को, सबको अपने कब्जे में लिया, अपने अनुसार चलाया। कोई बोले कि आप जुडिशियल पे इतनी कैसे अंगुली उठाते हो, मेरा उठाने का अधिकार है, मैं भारत देश का वासी हूँ, मैंने खुद ने जो आँखों से देखा वो न्यायालय में वो बताया। उस रात को मैं 8:45 बजे वहाँ पहुँचा हूँ, मेरे साथ में लगभग 100 के आसपास लोग और भी थे। तो 9 बजे संत श्री आसाराम बापू अपनी कुटिया से बाहर आते हैं, और जहाँ वहाँ फार्म हाउस जिसका घर है उसके पास में पेड़ के नीचे बैठ के बापूजी सत्संग करते हैं। 9 से 11:50 मेरे हमारे सामने बापूजी, वो मेरी फ़ोटो भी है, हमने फ़ोटो न्यायालय में पेश किया है कि ये फ़ोटो देखिए सर। मैंने जैसे बोला तो उसने जज ने नहीं फाइल मेरे हाथ से लेके और उसमें फ़ोटो चेक भी किया और ऐसे गोला किया कि इसका फ़ोटो है कि नहीं, मेरा फ़ोटो है कि हाँ बिल्कुल सामने बैठे हैं। इतना सबूत देने के बावजूद और वो जजमेंट क्या देता है कि एक लड़की के कहने मात्र से पूज्य बापू जी को, संत श्री आसाराम जी बापू को निर्दोष होते हुए और आजीवन भी नहीं, 11:50 यानी 12 बजे तक हमारे नजर नहीं, 11:50 बापू जी का बीच में कभी उठे होंगे, कुटिया में गए होंगे? नहीं कहीं नहीं गए, बिल्कुल कंटिन्यूज वहाँ रहे, वहाँ छोटे मोटे कार्यक्रम भी हुए मेरे, तो 15 से 20 मिनट की आधा घंटा तो मेरे से बात हुई है, इतने मेरे से इतने कितने लोग थे उनसे कंटिन्यूज बात भी हुआ है। हमने गौशाला के बारे में बातचीत बापू से बाड़मेर में हुआ था, तो वही बात हमने वहाँ जाके, हमारे को कुछ बात बाकी थी वो बातचीत किया, और यहाँ तक कि हमने भजन, हमारे से भजन गवाया कि भजन कर दो, भजन गा के सुनवाया, मतलब एकदम माहौल भक्तिमय हो गया था। तो बैठे रहे तो 2-3 घंटे बैठे रहे, उठे ही नहीं। अब आप बताइए, मेरे सामने बापू जी है और उसी समय उसी तारीख 15 अगस्त 2013 रात्रि 9 से 11:50 तक संत श्री आसाराम बापू मेरे आँखों के सामने थे, और उसी समय यानी इसी तथाकथित लड़की जो घटना बता रही है, 10 बजे से 11:30 की घटना बता रही है, और वो झूठी घटना, झूठा घटना बताकर बापू जी को फंसाती है। अब मैं उस न्यायालय पे कैसे विश्वास करूँगा कि बापू जी को जो उसने सजा दी है वो सही गति है? हमारी गवाही भी है, नहीं तो हो सकता है कि न्यायालय मुझे बोल दे कि आपने हमको बताया भी नहीं। मैंने बताया ना, मैंने जाके न्यायालय के सामने बताया कि मेरी आंखों के सामने ये हुआ, फिर भी न्यायालय ने मेरी जो बात थी वो दरकिनार कर दी। मेरे जैसे और भी लोगों ने बयान दिए उनकी न सुनते हुए, और लड़की का सिर्फ बयान मात्र से संत श्री आसाराम जी बापू को क्यों दिया गया, उसके ऊपर भी प्रेशर था, इन कंपनियों का सबका प्रेशर था कि कैसे भी कर संत श्री आसाराम जी बापू को फंसा दो। अब ये मान लीजिए कोई बात नहीं, बापू जी को उसने सजा दे दी, तो सजा दी हुए कितने सारे लोग होंगे जो राजस्थान में एक नियम बन गया कि 60 साल से ऊपर की जो उम्र है उनको बेल देगी, जमानत दे दी। तो हमने देखा बापू जी को बेल मिल जाएगी, बापू जी तो उम्र 85 साल है, अब तो 87 हो गई है, उस समय 85 साल उम्र है तो बापू जी को तो मिलेगी, तो सबको दे दिया, लेकिन बापू जी को नहीं मिला। आज आप बताइए हिंदुस्तान में कोई 87 साल का उम्र का 11 साल से कोई जेल में है क्या? लेकिन संत श्री आसाराम जी बापू है, उनको एक दिन का जमान। और हार्ट जो अटैक आया है वो सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर ने बताया है कि संत श्री आसाराम जी बापू को एक 90% ब्लॉकेज है, एक 99% ब्लॉकेज है और एक 76% ब्लॉकेज, 3 ब्लॉकेज है, 6 से 12 अटैक आया है, फिर भी उनको इलाज के लिए कई जमानत नहीं दी जाती है। इसी हिंदुस्तान में वो न्यायालय एक किसी बच्चा पैदा करने के लिए उसको जमानत देते हैं कि घर जाएगा बच्चा पैदा करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए उसको जमानत दी जाती है, और संत जिन्होंने 50 साल इस हिंदुस्तान की सेवा की, इस संस्कृति की सेवा की, उसको एक दिन की जमानत नहीं मिलती है। अपनी धर्मपत्नी जब बीमार होती है और वेंटिलेटर पे होती है उस समय जमानत लगाई जाती है, फिर भी वह जमानत नहीं दी जाती है, कैसा हिंदुस्तान का न्यायालय है?
कैसे मानूंगा कि उस विक्रमादित्य की जो सीट पे बैठा है, विक्रमादित्य जिस सीट पे बैठते थे तो स्वर्ग के देवता न्याय के लिए विक्रमादित्य के पास आते थे, वही विक्रमादित्य की धरती इस भारत भूमि पर ऐसा अन्याय क्यों, कब तक ये अन्याय होता रहेगा? कैसे तोड़ पाएंगे संत आसाराम जी बापू ये षड्यंत्र का चक्रव्यूह, और कैसे बापू बाहर आ पाएंगे? संत श्री आसाराम जी बापू एक व्यक्ति नहीं है, एक धर्म है, धर्म की मूर्ति है, वो एक अवतारी महापुरुष है। वो देखते हैं कि इस हिंदुस्तान में यदि मैं देखता हूँ कैसा ये कितना ये कर सकते हैं मेरे ऊपर अन्याय, तो मेरे पे इतना करें तो और भी लोगों पे होता होगा। लेकिन याद रखना, संत श्री आसाराम जी बापू भले कितने सारे षड्यंत्र इकट्ठे हो जाए, कितने नेता हो जाए, कितने कंपनी वाले हो जाए, कितने धर्मांतरण वाले हो जाए, लेकिन बापू जी निर्दोष होकर हमारे बीच आएंगे और सत्संग करेंगे। पक्का हमारे बीच आएंगे और सत्संग भी होगा बापू जी का, और निर्दोष साबित होकर आएंगे, पक्का आएंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपकी अपनी नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।